हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की फिल्म लुका छुपी रिलीज हो चुकी है और लोगों को खूब पसंद भी आ रही है। फिल्म का पूरा कंटेंट एक लिव इन रिलेशनशिप पर बेस्ड है। फिल्म का पहला वीकेंड तो जबरदस्त रहा। बता दें कि लक्ष्मण उटेकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अब लीजिए फिल्म के चौथे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। बता दें कि फिल्म ने अपने चौथे दिन 7 करोड़ 90 लाख का कारोबार किया है। कुल मिला के देखा जाए तो फिल्म ने अब तक 40 करोड़ 3 लाख का कलेक्शन कर लिया है और इस बात की जानकारी खुद ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने ट्विटर के जरिए दी है। वैसे ये तो आप जानते ही होंगे कि पिछले हफ्ते सिर्फ लुका छुपी ही नहीं बल्कि उसके साथ सुशांत सिंह राजपूत और भूमि पेडनेकर की फिल्म सोन चिरैया भी रिलीज हुई थी, जिसे लोगों की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। वैसे बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म का बजट लगभग 25 करोड़ है और फिल्म को वर्ल्ड वाइड लगभग 2507 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। और फिल्म में कार्तिक कृति के अलावा पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और विनय पाठक जैसे स्टार्स भी इम्पोर्टेंट रोल में हैं। मतलब देखने वाली बात तो ये होगी कि ये फिल्म आने वाले दिनों में क्या धमाल मचाती है। बहुत अच्छा रहा। आई थिंक यहाँ पे आके एक्चुअली पता चलता है कि रियल ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स होता है, कहाँ कहाँ पे वो हंस रहे हैं, कितना हंस रहे हैं एंड काफ़ी हंस रहे हैं थैंकफुली। तो बहुत मज़ा आया। मैंने एक्चुअली चंदन और गेटी में फिल्में देखी नहीं है, लेकिन मुझे याद है मैं हीरोपंती के टाइम पर आई थी और मैंने उस टाइम पे भी ऑडियंस रिएक्शन देखे थे और उसका अलग ही मज़ा होता है। सो आई थिंक दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट आफ्टर द फिल्म रिलीजेस। बहुत मायने रखता है। आई थिंक ऑल्सो एज अ सोलो हीरोइन मेरी ये हाईएस्ट ओपनिंग रही है अब तक की, मतलब दिलवाले एंसेंबल थी ऑफकोर्स। तो ये 8 करोड़ जो पहले दिन का है वो एटलीस्ट ये फीलिंग आ रही है कि उन्हें फिल्म जो है उसका ट्रेलर अच्छा लगा है। उसमें जो जितने व्यूज़ आए हैं 80 मिलियन व्यूज़ ट्रेलर को मिले थे, जो मतलब मैं शॉक थी देखकर। और फिल्म पसंद आ रही है, 8 करोड़ जो हुआ है आई होप और बढ़ता रहे। और ये रिएक्शन अंदर देखकर तो लग रहा है कि बढ़ना चाहिए। फिल्म को आप लोगों ने काफ़ी शिद्दत से प्रमोट किया, मतलब बहुत मेहनत की है, चाहे जितनी फिल्में की हैं उसे डबल ट्रिपल आपने फिल्म को प्रमोट करने। मैंने एक्चुअली ये फिल्म 10 दिन प्रमोट की है बस। और मैंने मतलब डेडिकेशन के साथ देखो, फिल्म जो है वो दिल के बहुत करीब है और बहुत मेहनत से बनाई है। और मुझे स्पेशली ये फिल्म जो है वो बहुत ही स्वीट, बहुत पारिवारिक फैमिली एंटरटेनर लगती है। और आई फील वो ही इसका USP है, जो हम सब परिवार वाली बात कर रहे हैं वो इसका USP है। एंड आई फील आई एम रियली हैप्पी कि फैमिली इसको पसंद आ रही है। मतलब जो रिएक्शंस मुझे मिले हैं पूरी फैमिली इसको पसंद आ रही है। यहाँ पे भी आई सॉ कि हर तरह के एज ग्रुप के लोग हैं। 2100 आई गेस, बट वो हमारे हाथ में होता नहीं है। मतलब दैट समथिंग दैट माय प्रोड्यूसर हैंडल्स एंड ही इज वेरी गुड एट इट। जी मैं मतलब बहुत थैंकफुल हूँ कि ऐसे किरदार जो है काफ़ी रिलेटेबल किरदार हैं। एक्चुअली दोनों बिट्टी और रश्मि जो हैं वो बहुत रिलेटेबल हैं, तो वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। थोड़े रूटेड किरदार हैं और आई फील मुझे अच्छा लगता है कि मेरा कनेक्ट ऑडियंस से जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, विच इज़ वॉट यू रियली नीड एज एन एक्टर। प्रेशर है क्योंकि मेरी पहली बार है कि मैं ऐसा एक पीरियड ड्रामा करने जा रही हूँ और काफ़ी सारे पीरियड ड्रामास आ चुके हैं ऑलरेडी। तो होता है कि आई होप मैं भी अच्छे से कर पाऊँ, बट आशुतोष गवारकर सर हैं और वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मुझे पता है। लेकिन मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि पहली बार एक कोई कैरेक्टर जो कभी ज़िंदा था उसे प्ले करने जा रही हूँ, जो एक्चुअल में रियल था, पार्वती बाई का कैरेक्टर। और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है जिस तरह से उन्होंने लिखा है। एंड मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, पंजाबी हूँ, मैं मराठी कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत अलग है। वो मराठी साड़ी और वो नथ और खोपा और टीका में खुद को देखना ही बहुत अलग लगता है। बट अभी तक जो हमने शूट किया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। हो ही नहीं सकता,
1.5 मैं ये देखने जाऊंगी आधा क्वेश्चन कौन सा है पेरेंट्स का एंड योर सिस्टर्स प्रॉब्ली शी इज आल्सो विल बी अ पार्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने क्या कहा आपको इस फिल्म के लिए उन्हें बहुत अच्छी लगी फिल्म और मेरे पापा जो हैं वो काफ़ी उन्हें कॉमेडी फिल्म्स भी बहुत पसंद हैं तो वो बहुत हंस रहे थे मुझे उनकी हंसी की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी और मेरे पापा का रिएक्शन ना हर फिल्म के बाद होता है अच्छी थी गुड इसके बाद उनका रिएक्शन था बहुत अच्छी लगी वो बहुत कम आता है उनके मुँह से एंड ऑल्सो आई थिंक दे ऑल्सो रियली इन्जॉयड इट अलॉट लाइक दे इन्जॉयड बरेली अलॉट So they were also like really happy and content. Happy moments for the you and your film. Aruko to say, from the film's team and also for the nation as wing commander Abhinandan comes back. Yes. Your thoughts, your words for him. It was indeed a very happy Friday. I feel like एक जो सुकून मिलता है और एक relief होता है. And we're very, very proud of him and, you know, his bravery and you know, I'm sure his family will be really, really happy the way we all are, you know, as a nation. And welcome back home. Thank you so very much. Wishing you 100 crores. Thank you. Beep.